बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन। इससे ऑलरेडी पहले मैंने एक वीडियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड अपलोड कर दी है, जो कि जिसमें मैंने आइसोमेरिज्म को डिफाइन किया और आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऑस्टियो आइसोमेरिज्म के डिफरेंसेज भी बताए, लेकिन फिर फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं की। तो आज हम आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऑस्टियो आइसोमेरिज्म की फर्दर क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जिसमें हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ही करेंगे। तो हमारे पास है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और हमने इनमें डिफरेंसेस भी पढ़े थे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमर्स में या आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहां मैं भी आइसोमेरिज्म लिख देता हूं। तो हमारे पास ये दो टाइप के आइसोमर्स थे, एक था स्ट्रक्चरल और एक था क्या हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम डिवाइड करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फर्दर कितनी क्लासिफिकेशन होती है और स्टीरियो में फर्दर कितनी क्लासिफिकेशन होती है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारे पास फर्दर फिर पांच डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं। एक होता है आपके पास चेन आइसोमर, आइसोमर्स, इसी तरह आपके पास दूसरे नंबर पे होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, सॉरी पोजिशन आइसोमर्स, इसी तरह तीसरे नंबर पे आपके पास आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, इसको एफ जी लिख देता हूं मैं। फोर्थ नंबर आपके पास आता है मेटामर्स, और फिफ्थ में आपके पास आता है टॉटोमर्स। तो यहां तक आपकी बुक में लिखे हुए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ये पांच डिफरेंट टाइप्स, लेकिन एक सिक्स डिफरेंट टाइप भी होता है जिसको सिर्फ आपने याद रखना है कि ये सिक्स टाइप कौन सा है। तो वो है रिंग चेन आइसोमर। तो आप ये छह सिर्फ नाम याद रखें, पांच के आपने पढ़ने हैं, यानी पहले पांच को आपने पढ़ना है, छठे का सिर्फ आपने नाम याद रखना है। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में या दो पार्ट्स में। वो हमारे पास है दो पार्ट्स हैं हमारे पास। सपोज मैं इसको फर्दर डिवाइड करता हूँ टू पार्ट्स में। एक आपके पास है कॉन्फ़िगरेशनल, और यहाँ मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ इनके बीच में डिफरेंस के लिए। एक है आपके पास कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा आपके पास होता है कन्फर्मेशनल। बुक ने कन्फर्मेशनल पे डिस्कशन नहीं की, तो हम कन्फर्मेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ याद हो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं जनरली, कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल से रिलेटेड सिर्फ ये बात भी आप याद रखें तो ज्यादा अच्छा, ताकि आपको डिफरेंस भी पता चल जाए कन्फिगरेशन और कन्फर्मेशनल में। ये जो कन्फर्मेशनल होते हैं ये नॉन सेपरेबल होते हैं, मतलब इनको सेपरेट करना इतना पॉसिबल नहीं है आसानी से, नॉन सेपरेबल होते हैं। और जो कन्फिगरेशनल होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, तो इनको सेपरेबल कहेंगे। रूम टेम्परेचर पे आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन सेपरेट किए जा सकते हैं कॉन्फ़िगरेशनल। फिर कॉन्फ़िगरेशनल की ही डिवीजन पढ़ेंगे, कन्फर्मेशंस में भी डिवीजन होती है, लेकिन चूंकि कन्फर्मेशन से ताल्लुक नहीं है जैसे मैंने कहा, तो उसको हम डिस्कस इतना नहीं करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशनल में हम फिर फर्दर पढ़ते हैं दो टाइप्स, और एक है आपके पास एनेंशियोमर्स और एक होगा आपके पास डायस्टीरोमर्स। एनेंशियोमर्स जो है उसको हम मिरर इमेज भी कहते हैं, एनेंशियोमर्स को मिरर इमेज आइसोमर्स भी कहा जाता है, मिरर इमेज आइसोमर्स। और जो हमारे पास होते हैं डायस्टीरोमर्स,
उनको हम कहते हैं नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स, नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स आप इसे याद रखिएगा। जो एनेंशियोमर्स है वो फर्दर हम अगर डिवाइड करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, या इस ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक को डी फॉर्म कहा जाता है, एक को एल फॉर्म, और डी को पॉजिटिव से भी डिनोट करते हैं और एल को नेगेटिव से भी डिनोट करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है जो डायस्टीरोमर्स हैं, डायस्टीरोमर्स को हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, मैं यहां लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं इनके बीच में ताकि आपको डिफरेंस पता हो। जो डायस्टीरोमर्स हैं उसमें आपके पास आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और साथ में आपके पास आते हैं डायस्टीरोमर्स में, डायस्टीरोमर्स में भी आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे लेकिन वो एनेंशियोमेरिक ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, और कैसे होंगे वो हम उसमें बाद में डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, मिटा के दोबारा लिख देते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेकिन मैंने कहा ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे ये डिफर करेंगे एनेंशियोमेरिक ऑप्टिकल आइसोमर से, तो मैं यहां लिख देता हूं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इनको साथ में कहा भी ये जाता है कि ये नॉन एनेंशियोमेरिक आइसोमर्स हैं, नॉन एनेंशियो मेरिक ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो ये आपको बताओ। और इसी डायस्टीरोमर्स में तीसरा पार्ट भी आता है जिसको हम कहते हैं मीजो कंपाउंड्स। तो आपके पास एक हुआ डायस्टीरोमर्स का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुई वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरी जो हमने कहा वो ऑप्टिकल आइसोमर्स, और तीसरी जो हमने कहा वो मीजो कंपाउंड्स हैं, और चौथी भी इसमें होती है लेकिन वो आपकी बुक में डिस्कस नहीं होती, सिर्फ मैं यहाँ उसका नाम लिख देता हूँ और हम उसको फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको याद रखने के लिए कि ई एंड जेड सिस्टम भी होता है, ई एंड जेड सिस्टम, तो आपके पास इसका मतलब डायस्टीरोमर्स चार डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक आपके पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक आपके पास है मीजो कंपाउंड, और ऑप्टिकल आइसोमर्स, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स में नॉन एनेंशियोमेरिक आइसोमर्स, और एक है ई एंड जेड सिस्टम। मैं ये ई एंड जेड सिस्टम को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता हो कि ये भी इसके आइसोमर्स हैं। तो ई एंड जेड आइसोमर्स कहा जाता है उनको, और ये फोर्थ टाइप होगी इसकी, ये ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की तरह ही होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम चेन आइसोमर्स, इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।